Namaskar, hello everyone. This is me Pooja and you are with MotherWorld, the world where is your all access solution. आज हम बात करने वाले इस practical video में word की एक ऐसे problem के बारे में या कहा जाए एक ऐसे solution के बारे में कि आपको ये जानकर काफी ज़्यादा अच्छा लगेगा. क्या आप calculator use करते हैं calculation करने के लिए? I'm sure इसका जवाब होगा yes हम use करते हैं. पर आपको अगर आप word से familiar है, अगर आप Microsoft में काम करते हैं, तो आपको calculator use करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही ऑनलाइन कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत है. ऑफलाइन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेल में तो हम कैलकुलेशन कर ही लेते हैं, लेकिन वर्ड में भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं. जैसे कि हमारे सामने जो एक डेटा सेट दिया हुआ है, अगर हम उस रिपोर्ट को ना समझे तो यहाँ पर एक 2689 मल्टीप्लाइड बाई 489 मल्टीप्लाई बाई 7894 प्लस 8974 डिवाइडेड बाय 9 और उसका आंसर भी यहाँ पर आ चुका है. और यकीन मानिए मैंने इस कैलकुलेशन को करने के लिए किसी भी तरीके का कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया. सिंपल कैलकुलेशन, आप ये कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन ले लीजिए आप वर्ड में कर सकते हैं. तो इसे करने के लिए आप पहले करली ब्रैकेट से ले लीजिए, कंट्रोल एंड F9 प्रेस करिए. आपके सामने जो दिख रहा है वो है कर्ली ब्रैकेट्स. इसके बाद इक्वल टू डालिए, क्योंकि हम कोई भी फंक्शन यूज करते हैं उसके पहले हम इक्वल्स टू जरूर यूज करते हैं. अब सिंपली जो आपको कैलकुलेशन करना है, मैं इसे ही कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे इसी का आंसर यहाँ पर चाहिए. सिंपली ये कॉपी करने के बाद आपको जो भी कैलकुलेशन चाहिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं. कंट्रोल सी करने के बाद मैंने यहाँ पर इसे कंट्रोल वी प्रेस कर दिया. अब इसके बाद आपको वही आंसर मिलेगा जो कि यहाँ पर रिजल्ट में आ रहा है. सिंपली आपको प्रेस करना है F9. मैं इस समय F9 प्रेस नहीं कर सकती रिजल्ट शो करने के लिए, बिकॉज मेरी रिकॉर्डिंग इससे रुक जाएगी. पर आप यूज़ करिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कैलकुलेटर यूज़ करने की. सिंपल कैलकुलेशन या कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होने दीजिए, अब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी अपने कैलकुलेशन को कंप्लीट कर सकते हैं. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ और यूज़ करके देखिए.